हेलो गाइस मैं हूं अंजू मित्तल आप देख रहे हैं बिंदु फूड फैक्ट्री बिंदु फूड फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे बारीक करेले की सब्जी की रेसिपी सबसे पहले गणेश जी को नमन उसके लिए हमें चाहिए करेले प्याज और हरी मिर्च करेलों के हम साइड के डंठल हटा देंगे अब इन करेलों को दो पीसों में कट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं इनके जो पके हुए बीज हम निकाल देंगे इस तरह से और कच्चे बीजों को हम ऐसे छोड़ देंगे कच्चे बीज जो है वो हमारे खाने के टेस्ट को ख़राब नहीं करेंगे पके हुए बीज हमारे खाने के स्वाद को ख़राब कर देंगे इसलिए हमें इन्हें निकाल दिया है ये हमने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है दो चुटकी राई को हमने भून लिया है पानी में नमक वाले पानी में उन करेलों को धोकर पानी समेत ही हम तेल में ऐसे डाल देंगे और इसको ओपनली पकाएंगे इससे क्या है कि करेलों में जो कड़वापन है वो कम हो जाएगा जो हम इसे ओपन पकाएंगे तो बाप के रूप में इसका कड़वापन उड़ जाएगा और बहुत ही अच्छे करेले बनकर तैयार होंगे करेले हमारे क्रिस्प हो गए हैं अब साइड में हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं जिसका कि आधा कच्चा और आधा पक्का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और अब इसमें हम डाल देंगे प्याज कटे हुए प्याज आप चाहें जैसे मर्जी काट लें बारीक या लंबे और अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च तीन चार हरी मिर्च कटी हुई और इनको भी हम पकने देंगे एक दो मिनट देखो प्याज हमें थोड़ा क्रंची ही पसंद है इसलिए बाद में डाला है अगर आपको प्याज ज़्यादा भुना पसंद है तो आप इसे पहले ही भुने और करेले बाद में अब हम ऐड करेंगे स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर नमक स्वाद अनुसार करलों का मसाला जो है रोटीन वाली सब्जियों के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा ही डलता है अब जाएगा धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और ऐड करेंगे अमचूर अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनट और पकाएंगे सारी सब्जियों को चलो अब बात करते हैं इन करेलों के बेनिफिट्स की ये जंगली करेलों में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है इसके अलावा इसमें उत्तम एंटीऑक्सीडेंट एंटी, एंटी डायबिटीज़ के गुण होते हैं स्वाद में थोड़ा कड़वा होते हुए भी यह सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है सब्जी हमारी तैयार है सर्व करने के लिए करेलों की सब्ज़ी ने ऑयल भी छोड़ दिया था सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई है आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों में अगर आप ये रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरी अच्छी सी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी को मेरा राम राम जी थैंक यू सो मच टेक केयर